हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इसे बनाने के लिए मैंने देखिए इसमें 5 कलर की वूल ली है, 9 नंबर सलाई ली है और देखिए इसको आप साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे फंदे डाले हैं वैसे ही मैं आपको यहाँ से बताऊंगी, सेम तरीके से हर एक कली स्टार्टिंग की तरह डलती है इसमें। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होइएगा आप कि स्टार्टिंग से ये नहीं है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने 25 फंदे लिए हैं, आप 4 के मल्टीपल से फंदे लेके एक एक्स्ट्रा कर लीजिए तो आपका ये डोरमेट सेट हो जाएगा। या टेबल मैट भी बना सकते हैं इससे आप, क्योंकि फ्लावर फ्लावर है तो काफ़ी प्यारा लुक दे रहा है ये। ये देखिए अब यहाँ से हम फर्स्ट रो बुनेंगे। तो देखिए एक फंदा उतारा मैंने वूल को इधर करके, ये 2 3 4 4 फंदे हमने येलो बुने। और देखिए उसके बाद ग्रीन ऐड करना है आपको, जब आप स्टार्ट करेंगे तो सेम तरीके से स्टार्ट हुआ है जैसे, वैसे ही मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ से देखिए 2 3 4 4 मैंने ग्रीन बुने, यहीं से हम पलट जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुनेंगे। सीधे तरफ की रो हम सिर्फ एक दिखाएंगे आपको, बाकी रो हम उल्टे तरफ से ही जो फंदे चेंज करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। इधर से जो जैसा होगा उसको वैसे ही आपको बुनना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने बना लिया। आप देखिए यहाँ से इसको हम उतारेंगे वूल अपने तरफ। ये देखिए 2 3 4 अब यहाँ से हम 2 फंदे ले लेंगे येलो से। ये देखिए अब 2 फंदे हम ये ग्रीन बुनेंगे और 2 हम आगे से लेंगे ऐसे, यहीं से हम पलट जाएंगे और यहाँ पे जो जैसा है उसको वैसे ही लास्ट तक बना लेंगे। यहाँ पे देखिए रो कंप्लीट हो गई और यहाँ पे दोनों तरफ की 4 रो कंप्लीट हो गई। 5वीं रो में हम फिर से इस फंदे को उतार लेंगे, 2 3 4 5 6 और देखिए 2 हम इधर से लेंगे, 7 8। अब यहाँ से 2 ग्रीन और 2 आगे से हम फिर से ले लेंगे और यहीं से हम पलट जाएंगे। यहाँ पे जो जैसा है उसको लास्ट तक बुनेंगे। सीधे तरफ से 6वीं रो कंप्लीट होती है। 7वीं रो उल्टे तरफ, जहाँ से देखिए हम अब ये रेड कलर से ये फ्लावर डालेंगे, आप इसको बटरफ्लाई भी कह सकते हैं, बटरफ्लाई की तरह भी दिखता है। तो यहाँ से देखिए एक हमने उतार लिया, 2 3 3 फंदे हमने येलो बुने। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ से रेड कलर, जो भी कलर से आप फ्लावर डालेंगे उससे 2 फंदे बुनेंगे यहाँ पे। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 येलो और देखिए 2 हम ग्रीन वाले में से रेड बना लेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 1 और 2 2 हम आगे से ले लेंगे ऐसे और यहीं से पलट लेंगे। तो यहाँ से हम ये 8वीं रो में जो जैसा है उसको हम बना लेंगे सीधे तरफ। सीधे तरफ से 8वीं रो कंप्लीट होती है। उल्टे तरफ से 9वीं रो देखिए, जहाँ से देखिए एक फंदा हमने ये उतार लिया, 2 2 येलो बुने। अब देखिए हम एक इधर से रेड वाला और 2 बीच के, 3 और 1 इधर से, 4 4 फंदे रेड के हो गए, 1 सेंटर में येलो। देखिए इस तरह से अब हम एक इस साइड और 2 ये, 3 और 1 ग्रीन में से। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 अब हम इस रो में एक ही फंदा लेंगे आगे से, तो ये 4 यहाँ पे 4 फंदे ग्रीन के आ गए। अब यहाँ से हम जो जैसा है उसको बना के कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सीधे तरफ से 10वीं रो कंप्लीट हो गई, 11वीं रो उल्टे तरफ। तो यहाँ से देखिए इसको हमने उतार लिया, अब इसको हम रेड से कर लेंगे। तो यहाँ से 1 और 2 और देखिए इस वाले को हम येलो बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 येलो, ये 2 रेड, 1 येलो, 2 रेड,
इसको येलो बनेंगे। अब वापस हम यहाँ पे दो रेड बुनेंगे और देखिए इस तरह से एक येलो और दो रेड, ऐसे ये देखिए। अब यहाँ से देखिए हम फिर से एक दो तीन और देखिए इस तरह से अब हम दो आगे से ले लेंगे। तो यहाँ पे इस रो में मेरे पास पांच फंदे ग्रीन के हैं। अब हम यहाँ से जो जैसा है उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सीधे तरफ से 12वीं रो कंप्लीट होती है, उल्टे तरफ से अब देखिए 13वीं रो हम बुनेंगे। तो यहाँ से अब देखिए हम इस फंदे को उतार लेंगे बुल को अपनी तरफ और ये दो फंदे हम रेड ही बुनेंगे और एक ये येलो वाला रेड से बुन लेंगे। और यहाँ पे देखिए एक येलो बुन लिया, तीन रेड हो गए और एक येलो, एक रेड, एक येलो और एक रेड, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे ये वाला देखिए येलो कर लिया मैंने और येलो वाला रेड, ऐसे। अब यहाँ से देखिए एक फंदा हम येलो बना देंगे इस साइड, देखिए इस तरह से। अब यहाँ से एक दो तीन चार, दो हम आगे से ले लेंगे ऐसे, यहीं से पलट जाएंगे और यहाँ से हम जो जैसा है उसको लास्ट तक बुन लेंगे। ये देखिए सीधे तरफ से 14वीं रो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से 15वीं रो बुनेंगे। ये देखिए एक फंदा और मैंने ये कर लिया रेड वाला येलो, उसके बाद देखिए एक दो और ये येलो वाला हमने इससे रेड से बुन लिया। अब देखिए जो इधर का रेड वाला है उसको हम येलो से बुन लेंगे, देखिए ऐसे। और ये जो सेंटर का फंदा है इसको हम ये ब्लू कलर से बुनेंगे। जो भी कलर आप लगाना चाहें यहाँ पे सेंटर में वो आप लगा सकती हैं, जैसे कि हमने ये यहाँ पे लगाया है इस तरह से, ये देखिए। अब ये वाला इधर का रेड जो है ऐसे बुनेंगे और ये वाला हम रेड से बुन लेंगे। दो तीन, तीन हो गए। अब यहाँ से हम इसको ऐसे बुन लेंगे, ये देखिए। अब दो फंदे हम आगे से येलो बना लेंगे, उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे हम पलट जाएंगे। यहाँ से देखिए जो जैसा है उसको हम लास्ट तक बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सीधे तरफ से 16वीं रो कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे हम 17वीं रो उल्टे तरफ से बुनेंगे। ये देखिए एक फंदा उतार लिया, दो। अब देखिए ये रेड वाले यहाँ पे हम येलो बुन लेंगे, तो पांच हमारे पास येलो हो गए। और देखिए एक जो येलो है उसको हम ब्लू बुनेंगे, देखिए ऐसे। और ये दो और एक इधर से बुनेंगे, तीन ब्लू हो गए। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब देखिए ग्रीन वाले हम सभी येलो से बना लेंगे और लास्ट में जो फंदे हैं ये देखिए यहाँ तक हमने ये बनाए थे, अब ये चार फंदे हम इस रो में ये भी बुन लेंगे, ये देखिए ऐसे। यहाँ पे देखिए ये हाफ फ्लावर बन के कम्प्लीट हो गया। इधर की रो हम पूरा उल्टा बनाएंगे, सिर्फ ब्लू कलर से ब्लू बनाएंगे, पूरा येलो से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 18वीं रो कम्प्लीट होती है सीधे साइड से। 19वीं रो हम उल्टे तरफ से बुनेंगे, जहाँ से देखिए अब ये हाफ फ्लावर बन गया है। तो अब हम यहाँ से ये ऊपर के साइड वाला बनाएंगे, उसके लिए देखिए हमने दो फंदे येलो बुने और देखिए यहाँ से एक दो तीन, तीन रेड और यहाँ पे देखिए ब्लू वाला येलो और एक फंदा ब्लू रह गया, एक इधर से येलो, देखिए ऐसे। और यहाँ पे वापस तीन रेड, एक दो तीन। अब देखिए यहाँ से एक दो तीन चार, चार येलो और देखिए यहाँ पे एक दो तीन
चार, पांच, छः, छः ग्रीन, चार हमने छोड़ दिए, ये देखिए ऐसे, यहीं से हम पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ से जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 20वीं रो कंप्लीट कर ली सीधे साइड। अब देखिए 21वीं रो उल्टे तरफ, यहाँ से हम एक फंदा येलो से ऐसे ही उतार लेंगे, उसको ऐसे कर लेंगे। अब येलो वाला रेड बुन लेंगे, यहाँ पे दो और तीन, तीन हमने रेड बुने, ये वाला हम येलो कर लेंगे। और देखिए इस वाले को रेड, और रेड जो ब्लू वाला है उसको हम येलो से। अब यहाँ पे ये वाला देखिए रेड और एक येलो, और देखिए यहाँ पे एक दो तीन, तीन मेरे पास ये रेड आ गए, देखिए इस तरह से ये आप देख सकते हैं, तीन रेड एक येलो, एक रेड एक येलो, एक रेड एक येलो, तीन रेड, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए हम एक एक फंदा ये बुन लेंगे, उसके बाद हम दो फंदे ऊपर के साइड ग्रीन से ले लिए मैंने, और देखिए यहाँ से ऐसे, यहीं से हम पलट लेंगे, यहाँ से जो जैसा है उसको हम लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 22वीं रो सीधे तरफ से कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे 23वीं रो पे हैं, तो अब यहाँ से देखिए इस फंदे को अभी उतारेंगे, और यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, एक और दो, दो फंदे रेड के, ये वाला येलो, और यहाँ पे देखिए येलो वाला रेड, ऐसे तो दो रेड ऐसे आ गए, दो इधर रेड एक येलो, और ये वाला येलो से ही बुनेंगे। अब देखिए एक ये वाला रेड और इधर का येलो वाला रेड, और यहाँ पे एक येलो ऐसे। अब इधर भी हमारे पास दो रह गए। अब देखिए ये देखिए इस तरह से, अब यहाँ से एक फंदा हम ये येलो वाला ग्रीन बुनेंगे, और देखिए दो तीन चार पांच, पांच बनाने के बाद यहीं से हम पलट लेंगे, और देखिए यहाँ पे जो जैसा है उसको हम लास्ट तक बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए 24वीं रो हमने कंप्लीट कर ली सीधे तरफ से बनाते हुए। अब 25वीं रो उल्टे तरफ, यहाँ से देखिए एक हमने उतार लिया, भूल को इधर किया, एक हम ये रेड वाला येलो से बना लेंगे, और देखिए यहाँ पे एक दो तीन, तीन हमने ये रेड बनाए, उसके बाद यहाँ से एक ये और एक यहाँ पे एक ये, तीन हमारे पास सेंटर में देखिए ये आ गए, और यहाँ से अब येलो से इससे रेड से एक दो तीन, एक फंदा हम यहाँ पे ये ग्रीन से आगे की साइड कर लेंगे ऐसे, दो तीन चार, चार हो गए, यहीं से हम पलट जाएंगे, यहाँ से हम ये रो पूरी कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 26वीं रो हमने कंप्लीट की सीधी तरफ से, 27वीं रो है उल्टे तरफ, तो यहाँ से देखिए इसको हमने उतारा, भूल अपने तरफ किया। अब देखिए यहाँ से हम ये सभी फंदे जो तीन बचे हैं इनको हम रेड कर रहे हैं, और ये तीन सेंटर में जो थे उनको भी, और देखिए यहाँ पे ये तीन रेड वाले ग्रीन कर रहे हैं ऐसे, ये देखिए, और दो पीछे के साइड हमने छोड़ दिए, यहीं से पलट लिया, ये देखिए इस तरह से। अब इधर की रो हम कंप्लीट कर लेंगे, इसको हमें क्रॉस कराना है ऐसे, इस तरह से। यहाँ पे देखिए सीधे तरफ से 28वीं रो कंप्लीट कर ली मैंने, 29वीं रो उल्टे तरफ, जहाँ से हम देखिए दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे हमने बुने, दो ग्रीन से बना लिए ऐसे। अब यहाँ से देखिए दो और ये पाँच, दो दो चार एक पाँच, यहाँ से जो जैसा उसको वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे 30 रो कंप्लीट की मैंने, अब 31 रो है उल्टे तरफ, दो तीन चार, चार बनाने के बाद हम दो फंदे ग्रीन से बनाएंगे, ये देखिए, और देखिए दो हम पीछे के साइड छोड़ देंगे,
यहीं से हम पलट लेंगे, यहाँ से जो जैसा है उसको हम लास्ट तक बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये रो कंप्लीट होती है और एक कली बन के यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम फिर से ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे फंदे येलो कलर से ही बुन लेंगे। ये चार फंदे हमारे पास येलो थे, अब हम पूरी रो लास्ट तक इसी कलर से बुनेंगे ऐसे। उल्टे तरफ से उल्टी बुनेंगे, उधर से भी हम इसे उल्टा ही बुनेंगे। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बनके कंप्लीट होता है। ये देखिए ऐसे। अब ये चार फंदे जो लास्ट में हैं, इनको भी हम बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब इधर से देखिए हम पूरा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट की, और देखिए इसी को रिपीट करना है आपको। अब देखिए हम थोड़ा सा आपको और बताएंगे, जो स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी उसी को दूसरी कली बनाने के लिए। और ये हर कली स्टार्टिंग की तरह ही बनती है, जैसे मैंने देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, ये कली यहाँ तक बन के कम्प्लीट हुई। इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये कली, ये फ्लावर इस तरह से इतना एक कली में कंप्लीट हो जाता है। अब अगली कली के लिए हम देखिए यहाँ से एक फंदा हम उतार लेंगे, दो तीन चार, चार येलो और देखिए चार ग्रीन फर्स्ट रो में, दो तीन चार। यहीं से हम पलट लेंगे, यहाँ पे जो जैसा है उसको वैसे बुनेंगे। अब देखिए सीधे तरफ से अंदर वो कंप्लीट की, उल्टे तरफ से ये उतार लिया, दो तीन चार पाँच छः, ये दो फंदे हमने ग्रीन वाले येलो कर लिए और दो ये और दो हम आगे से लेंगे ऐसे। और यहीं से हम वापस इसको पलट लेंगे, यहाँ पे जो जैसा है उसको वैसे बनाएंगे। इधर की रो कंप्लीट कर ली, अब हम इसको उतारेंगे और देखिए बुल इधर करके, दो तीन चार पाँच छः, तो हम आगे से लेंगे ग्रीन वाले येलो, सात आठ और देखिए दो ये ग्रीन और दो और आगे से ले लेंगे ऐसे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया सेम उसी तरीके से। अब यहाँ से जो जैसा है उसको हम बनाएंगे। इधर की रो कंप्लीट हो गई, अब देखिए यहाँ से एक हम उतारेंगे, दो तीन, तीन फंदे हमने येलो बुने, अब यहाँ से हम रेड कलर लगाएंगे, एक और दो और देखिए तीन येलो और यहाँ पे ये दो फंदे ग्रीन वाले हम रेड बनाएंगे ऐसे। उसके बाद देखिए यहाँ से वापस हम ग्रीन कलर लगाएंगे और दो फंदे हम आगे से लेंगे ऐसे, ये फंदे ले लिए, अब यहाँ से हम पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हमने आपको बता दी और ऐसे ही हम इसे पूरा करके देखिए हाफ कली एंडिंग में ये आ जाएगी, तो यहाँ पे हम इसे सिल देंगे। ये छह कली में कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर ज़्यादा फंदे का बनाएंगे तो आपकी कलियाँ ज़्यादा बन सकती हैं, तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।